नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकॉल टैबलेट के बारे में, जो कि दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है। कौन सा कंडीशन में इस लुकॉल टैबलेट के यूज किए जाते हैं, इस लुकॉल टैबलेट के अंदर आपको कौन सा इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, कौन इसे मैन्युफैक्चरिंग करता है, और दोस्तों इस लुकॉल टैबलेट को लेने के बाद क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेडिसिन विद स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इस लुकॉल टैबलेट के अंदर आपको कौन कौन सा इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं। धात की शतावरी, पुनर्वा, चंदन, शिलाजीत, इसके अलावा भी दोस्तों 18 से 20 प्रकार इंग्रेडिएंट इस लुकॉल टैबलेट के अंदर उपयोग किए गए हैं। अगर इसके MRP तथा पैकेजिंग के बारे में बात करते दोस्तों 60 टैबलेट के एक बॉटल पैकिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों इसके MRP है 180 रुपीस के अंदर आपको कोई भी केमिस्ट एंड मेडिकल शॉप में अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसका जो MRP है वह समय के साथ चेंज होते रहते हैं। अब बात कर लेते दोस्तों कौन सा कंडीशन में इस लुकॉल टैबलेट के यूज किए जाते हैं। महिलाओं के सफेद पानी, लिकोरिया में इसके यूजेस किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोसेज के बारे में। दोस्तों डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट को इसके डोसेज प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर भी एक एक गोली दिन में 2 टाइम खाने के बाद लिया जाता है। अगर इस के साइड इफेक्ट के बारे में बात करते दोस्तों, इस लुकॉल टैबलेट को लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसके तो ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिल जाती है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग। यदि आपके भी अंदर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलती है, इस टैबलेट को आप लेना तुरंत बंद कर दे और आपके नजदीकी कोई डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रिक्यूशन के बारे में, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस लुकॉल टैबलेट को लेना है। लेते समय दोस्तों इसका एक्सपायरी एक बार चेक कर ले, ओवरडोज इस लुकॉल टैबलेट को अब यूज ना करें। प्रेगनेंसी लेडी को भी इस टैबलेट को नहीं लेना है। यदि दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस टैबलेट को लेना चाहते हैं, आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, उसके बाद इस लुकॉल टैबलेट को यूज करें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी लुकॉल टैबलेट के बारे में। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक न्यू मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।